दरअसल ये 2024 की लड़ाई बड़ी दिलचस्प होने वाली है। पूरे देश की इस ओर निगाहें हैं। ऑल इंडिया सर्वे में क्या इशारा अभी मिलता है, जनता का अभी क्या मूड है, उसे हम परखने की कोशिश करते हैं। और हमारा जो पहला सवाल है वो आपके सामने, उस पर नजर डालिए। हम लोगों के बीच जब गए, जो ये सर्वे हुआ है सी वोटर की तरफ से, सवाल ये पूछा गया कि 23 जून को पटना में विपक्ष की बैठक है, क्या लगता है 2024 तक विपक्ष एकजुट रह पाएगा, ये सवाल पूछा गया। जवाब में आप देखिए लोगों की क्या राय थी। हाँ, अस्तित्व का सवाल है ऐसा कहने वाले 39% लोग, नहीं विश्वास की कमी है ऐसा कहने वाले 51% लोग, और पता नहीं यानी उलझन वाली स्थिति में 10% लोग हैं। तो कुल मिलाकर इसमें से एक बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है कि विश्वास की कमी ऐसा जनता को लगता है, ये कह रहे हैं 51% लोग कि 23 जून को जो पटना में विपक्ष की बैठक है, 2024 तक विपक्ष एकजुट रह पाएगा उसमें। यहां पर इस सर्वे के मुताबिक ये जो राय शुमारी की गई है, विश्वास वाला फैक्टर है, विश्वास की कमी। अभय दुबे जी, इस सवाल के साथ सीधे मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि विपक्षी एकता की आजकल बड़ी चर्चा है और आप लोग भी इस पर भरपूर जोर दे रहे हैं। 23 तारीख को आप लोगों की बैठक भी होने वाली है। ये जो सर्वे है ये इशारा करता है, और जैसा कि आप भारतीय राजनीति के इतिहास पर भी नजर डालें अलग अलग समय में अलग अलग कालखंड में, तो यही चीज नजर आई है, यही दिक्कत दिखती है विपक्ष के साथ कि भरोसे की कमी रहती है। देखिए, ये एकजुटता जो भारतीय जनता पार्टी ने विश्वासघात देश के साथ किया है उसके संदर्भ में, हाँ आपने ठीक कहा, 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जैसी टावरिंग पर्सनालिटी थी और सोनिया जी उनके सम्मुख लड़ रही थी, तब भी यही कहा गया था। तब भी जो हमारा गठबंधन हुआ था वो अगर आप देखें तो लेफ्ट, जो वेस्ट बंगाल में जिसका प्रभाव था, केरला में था, त्रिपुरा में था, वहां पर गठबंधन में साथ नहीं आए। उन्होंने आंध्र प्रदेश में हमारे साथ गठबंधन किया। समाजवादी पार्टी में जो दो बड़े दल थे, बसपा और सपा, वो कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन में नहीं थे। ये सब लोग अलग चुनाव लड़े, मगर डीएमके दक्षिण भारत में हमारे साथ था, यहाँ हमारे साथ एनसीपी कांग्रेस पार्टी के साथ थी, तो एक व्यापक गठबंधन जो उस समय अस्तित्व में था वो चुनाव लड़ा। मगर चुनाव परिणाम आने के बाद 335 सीटों का एक महागठबंधन बना, जिसमें समर्थन बाहर से समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी ने दिया, लेफ्ट पार्टियों ने दिया, और 10 वर्षों तक हमने बहुत दृढ़ता से सरकार चलाई और हिंदुस्तान के नागरिकों के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को न्याय दिया। लेकिन आज जिस प्रकार संसाधनों की लूट हो रही है, जिस प्रकार से अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को 27 रुपए किसानों की आमदनी रह गई, एमएसएमई को पूरा स्पॉइल कर दिया, 12 करोड़ लोगों ने रोजगारों से हाथ गवा दी धो दिए, 84% लोगों की आमदनी घट गई, इनके धन्ना सेठ 2609 नंबर से 102 नंबर पर आ गए, तो ये देश देख रहा है, ठीक है, वो निजात चाहता तो है। अब जो बातें आप कह रहे हैं अभय जी, मैं नलिन कोहली साहब से इसी का जवाब लेना चाहूंगा। नलिन कोहली जी, आप सुन रहे हैं अभय दुबे को, उनका जो कहना है उसका सीधे तौर पर अर्थ ये निकल रहा है कि विपक्षी एकता इस बार करिश्मा करने वाला है, तो क्या आप लोगों के अंदर किसी तरह कोई घबराहट तो नहीं है इसे? आशा पे दुनिया कायम है और राजनीतिक आशा की कोई सीमा नहीं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि लोकतंत्र में अलग अलग पार्टियां अपने मन की आशा रखें कि हम एकजुट होंगे। लेकिन पहला प्रश्न यही उठता है कि इनका एजेंडा कौन होगा, नेतृत्व कौन करेगा। केवल मोदी विरोध, भाजपा विरोध एक सकारात्मक एजेंडा हो ही नहीं सकता है। दूसरी बात, अजय जी एक वरिष्ठ नेता है, उनका अधिकार है कि वो रखे कि कांग्रेस की 10 साल की बहुत अच्छी सरकार, अगर उन्होंने जनता की अंतिम पंक्ति में लगे व्यक्तियों के लिए काम किया तो 2 बार क्यों पूरी तरह से जनता ने उन्हें नकारा? भाई ये लोकतंत्र में मानना कि जनता जिससे खुश है उसको नकार देती है, ये अपने आप में बड़ी अद्भुत बात होती है। अब भाई कांग्रेस पार्टी जैसे अभी जीत के आई है कर्नाटक में, वहां पर स्पष्ट होगा कि भाजपा किसी ना किसी रूप से जनता के सामने खरी नजर नहीं आ पाई, तो कोई ना कोई अपने काम को नहीं हम लोग बता पाए या हमें कमियां लगी तो ही हारे होंगे, उसका विश्लेषण अलग चलेगा। तो मैं मानता हूं कि ठीक है, कांग्रेस का अधिकार है वो कहे हमने बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन हम मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछले 10 सालों में जिस प्रकार से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास करते कई महत्वपूर्ण काम किए, गरीब से गरीब के लिए लंबी लिस्ट सुना सकता हूँ, लेकिन अभी क्योंकि राजनीतिक कार्यक्रम है इसीलिए इस वक्त मैं रोक रहा हूँ अपने आप, ठीक है। मुझे लगता है कि ये एक आशा कांग्रेस की है, और पहला प्रश्न उठेगा कि 30 साल बाद केंद्र में सिंगल पार्टी गवर्नमेंट आई है, मतलब एक पार्टी को बहुमत मिला,
30 साल तक नहीं चला, ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में 30 साल तक गठबंधन होता था। प्रदीप जी और किदवाई जी दोनों वरिष्ठ एनालिस्ट हैं, बताएंगे आपको। लेकिन एक आखिरी सेंटेंस, एक आखिरी वाक्य इतना ही है कि आज देश नेतृत्व खोज रहा है, इसीलिए दो चुनावों में स्पष्ट नेतृत्व को स्पष्ट बहुमत दिया गया है जो नरेंद्र मोदी जी है। तो बड़ा सरल सवाल उठेगा, सामने कौन है नेता? ठीक है, मुझे लगता है कि अगले सवाल का हम रुख करें, उससे पहले एक छोटा छोटा सा कमेंट में बाकी दो मेहमानों से भी लेना चाहता हूं। मेरे साथ चूंकि दो और मेहमान जुड़े हुए हैं, अब प्रदीप जी पहले आपके पास आऊंगा, छोटे में जवाब दीजिएगा, क्या आपको लगता है विपक्षी एका इस बार कमाल कर देगा? देखिए अखिलेश जी, विपक्ष एक होना चाहता है, नियत है, इंटेंशन है, लेकिन उसका नतीजा क्या होगा? मेरा मानना है कि कोई भी गठबंधन कामयाब तब होता है जब वो मल्टी स्टेट पार्टियों के बीच में, एक पार्टी दूसरे पार्टी को कहीं और जो है समर्थन देने या उसका उसका जनाधार बढ़ाने में सहायक। अभी जो पार्टियां जुट रही हैं उनमें से ज्यादातर पार्टियां ऐसी हैं जो एक स्टेट की पार्टी है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को छोड़ दें, ठीक है, तो इसलिए जो है वो दूसरे राज्य में चाहे भी तो अब अपने सहयोगी दल का जो है वो जनाधार तो, नहीं बढ़ा तो इसका मतलब ये हुआ रशीद किदवई साहब की बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं होगी चाहे पूरा विपक्ष एक भी हो जाए। देखिए क्या होता है कि राजनीति में दो और दो चार नहीं होते। हमने देखा था कि 2004 में इंडिया शाइनिंग था, अटल जी का नेतृत्व था, तो हिसाब झुका तू कुनबा डूबा क्यों, ये इस प्रश्न का जवाब देना चाहिए। जब भी कोई देश में एक बड़ा व्यक्ति बनता है, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, अटल जी हो, कोई भी हो, उसके बाद में हमेशा उसको एक रिप्लेसमेंट हुआ है कोलिशन का। कोलिशन अंतिम समय तक उसमें जो आप कह रहे हैं आत्मविश्वास की कमी रहती है, खटपट रहती है, लीडर्स में प्रतिस्पर्धा रहती है, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कोई नहीं होता, लेकिन 77, 89, 96, 2004 अनेक उदाहरण बताते हैं कि वो भी कामयाब हो सकते हैं। एक तरफ एक पार्टी है आत्मविश्वास और दूसरे जिसमें आत्मविश्वास की बहुत कमी है। ठीक है रशीद किदवई साहब, मैं आऊंगा आपके पास भी, मैं आपको पूरा समय दूंगा, अपनी बात रखिएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।